Dear students, welcome back to my YouTube channel Sharma Institute of English. तो आज फिर आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है. तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ के फर्स्ट लेसन द वंदे हेड के बाकी बचे क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे. तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं 30 वर्ड्स के आंसर वाले हैं कुछ, और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन हैं. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले पार्ट है आंसर ईच ऑफ द दीज क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, 30 वर्ड्स में लगभग इनके आंसर होते हैं. तो आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव. मार्जी और टॉमी के किस प्रकार के शिक्षक थे, किस प्रकार के अध्यापक थे? आंसर, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स विद लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड. मार्जी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर थे, मशीनी टीचर, यांत्रिक टीचर, जिनमें एक बड़ी और काली स्क्रीन होती थी जिस पर सभी पार्ट दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे. दीज मैकेनिकल टीचर्स हैड ए स्लॉट. इन मैकेनिकल टीचर्स में एक निर्धारित स्थान होता था, खांचा होता था, इन विच द स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर्स, जिसमें विद्यार्थियों को अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने होते थे. दे डिडंट हैव ए लिविंग ह्यूमन बींग एज ए टीचर हु वुड टीच द स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम. उनके पास अध्यापक के रूप में कोई मनुष्य नहीं होते थे जो उनको, जो विद्यार्थियों को क्लासरूम में पढ़ाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मार्जी की माताजी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया था? तो इसका आंसर है, मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशियंटली. मार्जी की माताजी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया था, या इसलिए बुलवाया था क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर अर्थात उनके यांत्रिक अध्यापक, मशीनी अध्यापक, वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशियंटली, कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे थे, कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहा था, वो सिंगुलर में है. मार्जी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट्स इन ज्योग्राफी बाय द टीचर. उस अध्यापक के द्वारा मार्जी को भूगोल में अनेक टेस्ट दिए गए थे, बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस. लेकिन मार्जी के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ था. सो मार्जीज मदर वांटेड टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट. अतः मार्जी की माताजी इसके पीछे का कारण जानना चाहती थी, इसके पीछे के कारण का पता लगाना चाहती थी. क्वेश्चन थ्री, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया. यही काउंटी इंस्पेक्टर के लिए प्रयोग हुआ है. काउंटी इंस्पेक्टर जो उसके मैकेनिकल टीचर को देखने आया था मार्जी के, तो उसने क्या किया? तो इसका आंसर है, ही स्माइल्ड एंड गेव मार्जी एन एप्पल एंड देन टुक द टीचर अपार्ट. वह मुस्कुराया, उसने मार्जी को एक सेब दिया और वह उस टीचर को एक तरफ ले गया, अलग ले गया. क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी. मार्जी भूगोल में
खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी सहायता करने के लिए क्या किया? तो आंसर देखिए इसका, मार्जीज परफॉर्मेंस वाज पुअर इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वाज टीचिंग हर द ज्योग्राफी प्रोग्राम्ड फॉर हायर एज ग्रुप्स। भूगोल में मार्जी की का प्रदर्शन खराब था क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर का जो भूगोल का विभाग था, ज्योग्राफी सेक्टर था भूगोल वाला भाग, वह उसको उच्च उससे ज़्यादा आयु के ग्रुप वाले कार्यक्रम को पढ़ा रहा था, भूगोल के कार्यक्रम को जो मार्जी से ज़्यादा आयु वर्ग के लिए थे, मार्जी छोटी थी। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके मैकेनिकल टीचर के भूगोल वाले विभाग को धीमा करके, स्लो करके, एक औसतन 10 वर्ष के स्तर का कर दिया था। अर्थात उसमें जो प्रोग्राम भरा हुआ था पढ़ाने के लिए, वो मार्जी की आयु से ऊपर के लेवल का था, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी और खराब प्रदर्शन कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? एक बार टॉमी के अध्यापक को क्या हुआ था? इसका आंसर है, वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार टॉमी के टीचर का जो इतिहास का भाग था, हिस्ट्री सेक्टर, वो पूरी तरह से खाली हो गया था। सो द काउंटी इंस्पेक्टर हैड टेकन इट अवे ऑलमोस्ट फॉर ए मंथ। इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर उसको लगभग 1 महीने के लिए वहां से ले गया था। मार्जी वाज थिंकिंग दैट ही वुड टेक हर मैकेनिकल टीचर टू विद हिमसेल्फ टू रिपेयर इट। मार्जी सोच रही थी कि वह उसके यांत्रिक टीचर को भी, उसके मैकेनिकल टीचर को भी मरम्मत के लिए अपने साथ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्जी के लिए, स्कूल के लिए, मार्जी के पास स्कूल के लिए नियमित घंटे और दिन होते थे? यदि ऐसा था तो क्यों? अर्थात क्या मार्जी को नियमित रूप से उन्हीं एक निश्चित समय और घंटे के लिए स्कूल लेना पड़ता था, अटेंड करना पड़ता था? यदि ऐसा था क्यों? तो इसका आंसर देखिए, यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ, मार्जी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे होते थे। दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी माताजी को विश्वास था कि नियमित घंटों में सीखना छोटी लड़कियों को बेहतर सीखने में मदद करता है। हर मैकेनिकल टीचर वॉज ऑल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। उसका, मार्जी का मैकेनिकल टीचर भी शनिवार और रविवार के सिवाय, यानी इनको छोड़ करके, प्रतिदिन उसी समय चालू रहता था, उसी समय चलता था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी प्राचीन प्रकार के स्कूल को
किस प्रकार वर्णन करता है? इसका आंसर है टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल इन द फॉलोइंग मैनर। टॉमी प्राचीन प्रकार के स्कूल का निम्न प्रकार से निम्न ढंग से वर्णन करता है। इट वॉज ए स्पेशल बिल्डिंग इन विच द स्टूडेंट्स वर टॉट बाई टीचर्स। यह एक विशेष इमारत होती थी जिसमें विद्यार्थियों को अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता था। इन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स प्राचीन प्रकार के विद्यालयों में द स्टूडेंट्स हैड फन एज वेल एज दे गोट एजुकेशन। विद्यार्थी मज़े भी करते थे और उसके साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त करते थे। स्कूल इज द प्लेस फॉर एजुकेशन एज वेल एज मीडियम फॉर प्ले एंड फन। स्कूल शिक्षा का स्थान भी होता है और उसके साथ साथ ये खेलने का और मजे करने का माध्यम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। वह अर्थात टॉमी प्राचीन प्रकार के अध्यापकों का कैसे वर्णन करता है? इसका आंसर है टॉमी टोल्ड मार्जी दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स। टॉमी ने मार्जी को बताया कि प्राचीन प्रकार के अध्यापक मैकेनिकल टीचर्स यानी यांत्रिक अध्यापक नहीं होते थे। देवर ह्यूमन बींग्स, वे मनुष्य होते थे। हु टोट द स्टूडेंट्स इन साइड ए स्पेशल बिल्डिंग, जो विद्यार्थियों को एक विशेष इमारत के अंदर पढ़ाते थे। द टीचर्स टोट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वे अध्यापक बच्चों को समूहों में पढ़ाते थे, जैसे पूरी क्लास होती है, और उनको गृह कार्य देते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे। आइए अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स 100 to 150 वर्ड्स। तो इन लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 100 से 150 शब्दों में देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। उन यांत्रिक अध्यापकों और विद्यालय के कमरों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, जो इस कहानी में मार्जी और टॉमी के हैं। अर्थात मार्जी और टॉमी के इस कहानी में जो मैकेनिकल टीचर और स्कूल के कमरे हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? आंसर द चिल्ड्रन इन द स्टोरी वर टॉट बाय द मैकेनिकल टीचर्स। इस कहानी में बच्चे या बच्चों को मैकेनिकल टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता था। द मैकेनिकल टीचर्स वर एक्चुअली द कंप्यूटर सिस्टम्स विच हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। असल में ये मैकेनिकल टीचर्स कंप्यूटर सिस्टम होते थे जिनमें एक बड़ी और काली स्क्रीन होती थी जिस पर सभी पार्ट दिखाए जाते थे, प्रदर्शित होते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। दे हैड ए स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उनमें एक निर्धारित स्थान होता था, स्लॉट होता था, जिसमें विद्यार्थियों को अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने होते थे, डालने होते थे। द स्टूडेंट्स वर टॉट टू आंसर देयर क्वेश्चंस इन ए पंचकोड। विद्यार्थियों को अपने प्रश्नों के उत्तर पंचकोड में देना सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली। और उनके मैकेनिकल टीचर उनके मार्क्स की तुरंत गणना कर देते। दे हैड देयर पर्सनलाइज्ड स्कूल्स इन देयर होम्स इटसेल्फ। उनके पास अपने घर में ही निजी स्कूल होते थे, अपने व्यक्तिगत स्कूल होते थे।
दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उनके कोई सहपाठी नहीं होते थे. दे लर्न ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक, वे भूगोल इतिहास और अंकगणित सीखते थे. दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, उनके पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे होते थे. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल, मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों थी. व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वे ऐसा क्यों सोचती थी कि प्राचीन प्रकार के स्कूलों में अवश्य ही आनंद होता होगा. इसका आंसर है, हर स्कूल वाज ऑलवेज ओपन 7 days इन ए वीक. उसका विद्यालय, उसका स्कूल सप्ताह में 7 दिन सदैव खुला रहता था. मार्जीज टीचर वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एक्सेप्ट वीकेंड्स. मार्जी का टीचर सदैव ऑन रहता था, चालू रहता था सही समय पर, निर्धारित समय पर, सिवाय सप्ताहांत के, अर्थात जिनमें सप्ताह के अंत में जो छुट्टी होती थी उसके सिवाय. बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट रेगुलर स्टडी आवर्स रिजल्ट इन बेटर लर्निंग, क्योंकि उसकी यानी मार्जी की माता को विश्वास था कि नियमित अध्ययन के घंटे का परिणाम बेहतर सीखना होता है, है ना. अगर नियमित रूप से अध्ययन के घंटे होंगे तो उसका परिणाम बेहतर लर्निंग होगा, अच्छी प्रकार से और बेहतर रूप से वो सीख सकती है. सी हैड नो क्लासमेट्स टू इंटरैक्ट एंड प्ले विथ, उसके पास बातचीत करने के लिए या खेलने के लिए सहपाठी नहीं होते थे. सी थॉट दैट ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वह सोचती थी कि प्राचीन स्कूलों में अवश्य ही मज़े होते होंगे. बिकॉज क्योंकि यू गोट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले एंड मेक फन विद योर क्लासमेट्स, क्योंकि आपको अपने सहपाठियों के साथ खेलने का और मज़े करने का, मस्ती करने का अवसर मिल जाता था. इट मस्ट हैव बीन ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस टू स्टडी फ्रॉम ए ह्यूमन इंस्टीड ऑफ इम्पर्सनल मशीन, एक मशीनी टीचर की अपेक्षा मनुष्य से अध्ययन करने में एक सुखद अनुभव अवश्य ही होता होगा, मार्जी ऐसा सोचती थी. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, कृपया इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख लें और याद करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.